वेलकम गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शी हल्क का दूसरा एपिसोड। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से जेनिफर हल्क बनती है और ब्रूस उसे सुपर हीरो होने की जिम्मेदारियां बताता है, और फिर हमने देखा कि किस तरह से जेनिफर सबके सामने हल्क बन जाती है और रातों रात फेमस हो जाती है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर्स कोर्ट में हुई घटना के बारे में बता रहे होते हैं और ज्यूरी मेंबर्स जेन को हीरो बताते हैं क्योंकि उसने सबकी जान बचाई थी, और वहीं से उसका नाम शी हल्क पड़ जाता है। रात को जेन अपनी फ्रेंड निकी के साथ पार्टी में जाती है जहां वो सब लोग शी हल्क के नारे लगा रहे होते हैं। जेन हल्क बनके सबसे मिलती है और ड्रिंक करने लगती है। इतने में डेनिस वहां आता है और जेन से पूछता है कि तुम्हें पावर्स कहां से मिली। जेन उसे इसका जवाब नहीं देती और जेन की फ्रेंड निकी डेनिस को वहां से भगा देती है। थोड़ी देर बाद जेन का बॉस वहां आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम वो केस जीत गए। वो कहता है कि तुम सबके सामने हल्क बन गई थी और इसीलिए अपोजिशन ने इस केस को नाजायज़ घोषित कर दिया था। वो जेन से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया लेकिन हम तुम्हें जॉब से निकाल रहे हैं, जिसे सुनकर जेन शॉक और उदास हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेन अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन कोई भी उसे हल्क होने की वजह से नौकरी पे नहीं रखता। एक शाम जेन निकी के साथ होती है जहां वो लोग जेन के लिए नौकरी के ऑप्शंस देख रहे होते हैं। इतने में जेन की मॉम का मैसेज आता है फैमिली डिनर के लिए, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। रात को जेन अपने घर जाती है जहाँ सब लोग उसका वेलकम करते हैं। वो सब लोग वहाँ सुपर हीरोज़ की बातें करने लगते हैं जिन्हें सुनकर जेन बोर हो जाती है। उसके डैड उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं जहाँ जेन अपने डैड से कहती है कि मुझे लोगों की जान बचाने के लिए सज़ा मिल रही है। वो कहती है कि अगर मैं हल्क बनकर सबके सामने नहीं आती और सबकी जान नहीं बचाती तो आज मेरी नौकरी भी सही सलामत होती। उसके डैड कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है और तुम लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। उसके बाद जेन एक बार में जाती है और ड्रिंक करने लगती है। इतने में वहाँ एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जिसके खिलाफ जेन केस लड़ रही थी, और उसका नाम होता है हॉलीवे। वो जेन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता हूँ। जेन को ये मजाक लगता है लेकिन हॉलीवे कहता है कि हम एक नया डिवीज़न शुरू कर रहे हैं और उसी के लिए मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। जेन जॉब के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि ये जॉब मैं तभी करूंगी जब मैं अपने साथ खुद की सेक्रेटरी रख सकती हूँ। हॉलीवे इस बात के लिए मान जाता है और जेन खुशी में फिर से ड्रिंक करने लगती है। अगले दिन जेन अपने नए ऑफिस जाती है और हॉलीवे से मिलती है। हॉलीवे जेन से कहता है कि आजकल सुपर पावर्स वाले लोग हर जगह दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए हमने सुपर ह्यूमन लॉ डिविजन शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि इसके लिए तुम हमारा चेहरा बनो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस और कोर्ट दोनों जगह शी हल्क के अवतार में ही रहो, ना कि अपने नॉर्मल अवतार में। और फिर हम देखते हैं कि जेन हल्क बन जाती है। जेन फिर से ऑडियंस यानी कि हमसे बात करने लगती है और कहती है कि मैं एक काबिल वकील हूँ लेकिन मुझे सिर्फ इसीलिए हायर किया गया है क्योंकि मैं हल्क भी हूँ, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हॉलीवे जेन को उसका ऑफिस दिखाता है जहाँ उसकी सेक्रेटरी कम फ्रेंड निकी भी होती है। थोड़ी देर बाद जेन हॉलीवे के पास जाती है और हॉलीवे उसे उसका पहला केस देता है, और वो केस होता है एमिल ब्लॉन्स्की का, जिसे लोग अबोमिनेशन भी कहते हैं। वो कहता है कि तुम्हें ब्लॉन्स्की को जेल से रिहा करवाना होगा, और ब्लॉन्स्की वही आदमी होता है जिसने जेन के कज़न ब्रूस यानी कि हल्क को मारने की कोशिश भी की थी। हॉलीवे कहता है कि ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शी वाला केस है और इस केस से हमें बहुत पब्लिसिटी भी मिलेगी। जेन ये केस लड़ने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि ब्लॉन्स्की ब्रूस को मारना चाहता था। हॉलीवे कहता है कि अगर तुमने ये केस नहीं लिया तो तुम्हारी जॉब भी नहीं रहेगी और तुम घर जा सकती हो। जेन कहती है कि मैं आपको सोचकर बताती हूँ, और फिर वो ब्लॉन्स्की से मिलने जेल चली जाती है। वो कोई मामूली जेल नहीं होती और कोई भी आदमी उस जेल में आसानी से नहीं घुस सकता। जेन को बताया जाता है कि जब आप ब्लॉन्स्की से मिलेंगी तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और अगर किसी भी तरह से आपकी जान चली गई तो उसकी जिम्मेवार आप खुद होंगी।
जेन अंदर जाती है और देखती है कि ब्लॉन्स्की को एक सेल के अंदर रखा होता है जहां स्पेशल टेक्नोलॉजी से उसे कैद किया गया था। उनके इंट्रोडक्शन के बाद ब्लॉन्स्की जेन को बताता है कि अब मैं बदल गया हूं और अब मैं अबोमिनेशन में नहीं बदलता। वो कहता है कि मैं सुधरना चाहता हूं, जिसे सुनकर जेन इम्प्रेस हो जाती है। वो जेन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कज़न हल्क हम दोनों के बीच ना आए। मैंने उसे सिर्फ इसीलिए मारने की कोशिश की थी क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट ने मुझे ऐसा करने के ऑर्डर्स दिए थे और मेरे अंदर सुपर सोल्जर्स की दवा भी डाली गई थी। तो जेन उससे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं, तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। तो ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं सच कह रहा हूं और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जीना चाहता हूं, न कि इस कैद में। अगली सुबह हॉलोवे जेन को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आज शाम तक तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं कि तुम ये केस लड़ रही हो या नहीं। फिर जेन ब्रूस को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि मैं ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही हूं, लेकिन जब तक तुम हाँ नहीं करोगे मैं ये केस नहीं लड़ने वाली। ब्रूस जेन से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन जेन उसे कहने का मौका ही नहीं देती और ब्रूस समझ जाता है कि जेन को इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। जेन कहती है कि हमें ब्लॉन्स्की को सुधरने का एक और मौका देना चाहिए और ब्रूस कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि हमारी लड़ाई बहुत पुरानी है और अब मैं इस सब के बारे में भूल चुका हूँ। वो कहता है कि तुम ये जॉब ले सकती हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना, जिसे सुनकर जेन खुश हो जाती है। जेन ब्रूस से कहती है कि क्या तुम लॉस एंजलिस आओगे, तो ब्रूस कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रूस उसी सकारान के स्पेसशिप में होता है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। उसके बाद जेन हॉलीवे को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ और मैंने केस जीतने की सारी तैयारियाँ भी कर ली हैं। हॉलीवे कहता है कि तुमने सही फैसला किया है और कहता है कि एक बार तुम्हें न्यूज़ देख लेनी चाहिए। जेन जैसे ही टीवी ऑन करती है और देखती है कि ब्लॉन्स्की अबोमिनेशन बनकर किसी फाइट क्लब में फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि गलती हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन अपने घर में हल्क बनी होती है और उसके डैड उससे घर का काम करवा रहे होते हैं और यहीं हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम आपके लिए शी हल्क का तीसरा एपिसोड जल्द लेकर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।